आप सबका आपके चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में किस प्रकार से लिखते हैं। इसलिए पिछले वीडियो में हमने भिन्नों की तुलना के बारे में पढ़ा था, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसी के अगर उस वीडियो को आपने देखा है तो उससे आप बड़ी आसानी से भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। चलिए तो हम अब वीडियो पे चलते हैं। देखिए अपना पहले हम सवाल करने लिखा हुआ है 4/5, 4/7, 4/9, 4/11 को आरोही क्रम में लिखिए। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। इससे पहले मैं थोड़ा रिवाइज करवाता हूँ आरोही क्रम और अवरोही क्रम होता क्या है। देखिए बहुत सारे को कन्फ्यूजन होता है कि आरोही क्रम अवरोही क्रम दोनों में अंतर क्या है। अब हम इसकी आपको याद एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ जिसे आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। इन दोनों की शब्दों की बात करते हैं तो इसमें तीन है और इसमें आपके चार है। तीन है, इन दोनों की तुलना कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तीन है, इसका मतलब कम है ये, और ये यहाँ पे इसकी तुलना में यहाँ पे ज़्यादा है या अधिक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कम है इसका मतलब कम वाली संख्या, जैसे कि आपका 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से लिख देते हैं, और ज़्यादा का मतलब इसी को हम लिखते हैं 5, 4, 3, 2 इस प्रकार से हम इसको आरोही और अवरोही क्रम में लिख देते हैं। ठीक है ना, अब हम चलते हैं सवालों के ऊपर। देखिए अपना जो सवाल है वो है कि आपका जो दे रखा है 4/5, 4/7, 4/9, 4/11 को आरोही क्रम में लिखिए। देखिए हमने भिन्नों की तुलना की, यहाँ पर इन सबको देखने पर अपने पास मालूम होता है, देखिए क्या है, सबका अंश है वो क्या है, समान है। जब अंश समान हो आपको किसी कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है, सीधा सा आप क्या करेंगे, अगर अंश सबका समान हो गया, सबसे पहले देखिए अंश है, अंश समान है, तो जिसका हर सबसे बड़ा है उस भिन्न को आप क्या मानेंगे, सबसे छोटी मान लेंगे। यानी लिखिए अंश समान होने पर जिस भिन्न का हर बड़ा हो वह भिन्न सबसे छोटी होती है। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास देखिए यहां पर इसकी देखते हैं, अंश सबका 4, 4, 4 है, तो इसने कहा अंश समान होने पर जिस भिन्न का हर बड़ा हो वह भिन्न सबसे छोटी होती है। इसका सबसे बड़ा है तो ये सबसे छोटी 4/11 होगी, फिर ये 9 है 4/9 होगी, फिर इसमें है 4/7 होगी, फिर ये है 4/5 होगी। इस प्रकार से जो अपना जो ऑप्शन है वो आपका एक वाला बिल्कुल सही है। दोस्तों अपना जो अगला प्रश्न है कि 4/5, 6/5, 7/5, 11/5, 17/5 को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम का मतलब है जैसे आप छत से नीचे आते हैं तो सबसे पहले ऊपर वाली सीढ़ी पे, फिर उसके नीचे वाली, फिर उसके नीचे वाली सीढ़ी पे पैर रखते हैं। उसी प्रकार हमें बड़ी संख्या पहले लिखनी है, हम उसमें आपका अंश समान था, इसमें हर समान है। ठीक है ना, अब हर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जिस बिन में हर समान हो तो वह भिन्न जिसका अंश बड़ा हो वह भिन्न बड़ी होती है। अब देखिए इसमें क्या, सबके हर 5, 5, 5, 5 है, तो बड़ी आसानी से हम लिख सकते हैं कि जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी, और हमें अवरोही क्रम में क्या लिखना है, सबसे बड़ी भिन्न पहले लिखनी है,
इसके हिसाब से हम देखते हैं कि 17/5 आपकी सबसे बड़ी बिन हो गई, फिर अंश बड़ा आपका 11/5 हो गई, फिर 7/5 हो गई, फिर 6/5 हो गई, फिर 4/5 हो गई। ये जो आपका क्रम आपको मिलता है वो आपका बी ऑप्शन में है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। भिन्न को देख के घबराइए नहीं, इतनी बड़ी भिन्न है, हम इनको किस प्रकार से हल करेंगे, बड़ा आसान सा आप जवाब है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कर ले और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर और कमेंट्स भी करें। तो साथियों अपने पास सवाल है कि 4/5, 5/6, 6/7, 7/8 को आरोही क्रम में लिखिए। हमने अभी तक दो चीज़ें देखी है कि एक तो आपका अंश समान हो, तब जिसका हल सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटी थी, और उसके बाद हमने पढ़ा अगर सभी का हल समान है उसमें जिसका अंश बड़ा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी होती है। दो चीज़ पढ़ी है, लेकिन इसमें आपके पास क्या है, दोनों ही चीज़ें लागू नहीं होती है, ना तो इसमें अंश बराबर है ना ही हर बराबर है। तो हम एक नई चीज़ इसमें देखते हैं कि देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे हर माइनस अंश बराबर समान आना चाहिए, अगर समान है जैसे ये 5 में से 4 घटाते हैं तो 1 बचता है, इसमें भी हम 6 में से 1 घटाते हैं प्लस 1 बचता है, और जैसे ये 5 माइनस 4 बराबर 1 और 6 माइनस 5 बराबर 1 और 7 माइनस 6 बराबर 1, 8 माइनस 7 बराबर भी 1 है। अगर सभी जगह हर में से अंश को घटाते हैं तो समान अगर आता है, तो समान है ये अंतर समान है, तब जिस भिन्न का अंश बड़ा हो वह भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए हमेशा अगर अंतर बराबर आ रहा है हर माइनस अंश का, तो जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न आपकी सबसे बड़ी होगी, लेकिन हमें यहाँ पे किस में आरोही क्रम में जमाना है, तो सबसे बड़ा अंश तो इसमें है, इसका मतलब सबसे छोटी देखनी है, इसमें सबसे छोटा अंश कौन सा है, ये, फिर आपके पास ये, फिर आपके पास ये, और फिर ये आपके पास 7/8 हो गया, ये आपका आरोही क्रम हो गया। अगर इसको अवरोही में लिखना होता है तो हम इसका उल्टा लिख देते हैं, ये 7/8, 6/7, 5/6, 4/5, ये आपका अवरोही है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें अपना ऑप्शन क्या है, कौन सा वाला सही आ रहा है, ये ऑप्शन है, तो अपना ए सही हो गया है। दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है, हमारे साथ बने रहिए। अपना जो सवाल है कि 2/3, 3/5, 5/8 में से सबसे छोटी व सबसे बड़ी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें आपका अंश भी बराबर नहीं है, हर भी बराबर नहीं है, और अंश और हर का अंतर देखते हैं वो भी बराबर नहीं है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम इसका लघुतम लेके हर को बराबर कर लेते हैं। तो अपने पास लघुतम लेने के लिए 3, 5 और 8 हर ये है अपने पास, 3, 5, 8 का हम क्या कहते हैं लघुतम ले लेते हैं। लघुतम लेंगे तो पहले 2 का भाग देंगे, इसमें नहीं गया, इसमें भी नहीं गया, इसमें चला गया, इसमें देंगे, फिर इसमें 2 बार, फिर भाग देंगे 3, 5, 1 बार, फिर 3 का देंगे 1, 5, 1, फिर 5 का देंगे 1, 5, 1, 1। ठीक है दोस्त, तो अपने पास ये लेसे पे जो होगा आपका 2×2×2×3×5। ठीक है, अपने पास देखिए
इनको हम गुणा करते हैं, 5 3 15, 15 2 30, 30 60 120, ये आपका 120 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं 1 2 और 3, 120 120 120, तीन का भाग हम 120 में देते हैं तो अपने पास 40 आएगा, 40 को 2 से गुणा किया तो 80, इस 5 का भाग इसमें देते हैं 120 में तो आपका ये है 5 2 10 और 2 बज गए, 5 24 आ गया, 24 को हम 3 से गुणा करते हैं तो अपने पास 72 आता है। ठीक है, और ये आपका 120 है, यहाँ पे 12 नहीं है। हम 8 का भाग देते हैं तो अपने पास 120 में हम देते हैं तो आपका 15 बार चला जाता है, 15 को 5 से गुणा करते हैं तो 75 आ जाता है। अब इसने कहा है कि देखिए सबसे छोटी या सबसे बड़ी, अब सबसे छोटी बिन कौन सी होगी, पहले हम ये देख देंगे, हर बराबर हो गया तो जो अंश सबसे बड़ा है वो बिन क्या होगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। इस हिसाब से अपने पास 72 बटा 120, 75 बटा 120 और 80 बटा 120, इसके हिसाब से ये वाली आपकी 3 बटा 5 75 बटा 120 वाली ये 5 बटा 8 होगी, फिर आपकी 2 बटा 3 हो गई। ठीक है ना, ये आपकी इस प्रकार से भिन्न पड़ेगी, लेस देन यानी ये सबसे छोटी है क्योंकि इसका अंश सबसे छोटा है, ये इससे बड़ी है इसका अंश इससे बड़ा है, ये इससे बड़ी है इसका अंश इससे बड़ा है। लेकिन अपना सवाल हुआ कहाँ पे, इसने कहा सबसे छोटी और सबसे बड़ी में अंतर, सबसे बड़ी कौन सी है 2 बटा 3, छोटी कौन सी है 3 बटा 5, दोनों का लघुतम लिया 15 आया। ठीक है, 3 का भाग 15 में दिया, 5 बार 5 को इससे गुणा किया 10, माइनस 3 का भाग इसमें दिया 3 बार गया, 5 का भाग इस 15 में दिया 3 बार गया, 3 को 3 से गुणा किया 9 आया, 9 में से 10 में से 9 गए तो 1 बटा 15 आ गया, और इस हिसाब से अपना आंसर क्या हो गया, ए सही हो गया। तो दोस्तों अपना प्रश्न है कि यदि ए बराबर 3 बटा 5, ठीक है, बी बराबर 7 बटा 9, सी बराबर 5 बटा 7 है, तब आरोही क्रम आपका, ये आपका रेट में आया हुआ प्रश्न है, पुराने पेपर से लिया है, उसी से हम देख रहे हैं, उसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें आपको भिन्न देखिए ए बी सी दे दिया है, हमें ए बी सी सही करना है। अब देखिए इनका करने का तरीका क्या है, देखो दो तरीके से हम कर सकते हैं, इसमें आपका अंतर देखिए आपका प्लस का 2 है, इसमें भी अंतर प्लस का 2 है और इसमें भी अंतर प्लस का 2 है। हर समान होता है जब हर समान हो, देखिए आपका 5 माइनस 3 2 है, 7 9 माइनस 7 बराबर 2 है, 7 माइनस 5 बराबर 2 है, सब में 2 2 आ रहा है, और जब अंतर समान हो तब वह भिन्न जिसका अंश बड़ा हो वह भिन्न सबसे बड़ी होती है, या हम इसको कह सकते हैं जिसका अंश सबसे छोटा हो वह भिन्न सबसे छोटी होती है। तो आपके पास देखिए ये है, आपके पास 3 बटा 5 हो गया लेस देन, उसके बाद आपका 5 बटा 7 हो गया, ये भी लेस देन, ठीक है, फिर 7 बटा 9 हो गया, ये भी आपका लेस देन। इस हिसाब से हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये ए है लेस देन, और 7 बटा 5 आपका क्या है सी है, सी लेस देन, ये आपका क्या है सी है, सी लेस देन, आपके पास ए हो गया सी हो गया बी बच गया, ये ऑप्शन किस में आ रहा है आपका सी की, ए लेस देन सी लेस देन बी सी के अंदर आ रहा है, तो आप बिल्कुल सही हो गया। ठीक है ना दोस्तों, दोस्तों अपना अगला प्रश्न है कि 15 बटा 16, 19 बटा 20, 24 बटा 25, 34 बटा 35 को अवरोही क्रम में ले तो दूसरे नंबर की भिन्न होगी। देखिए हमें सबसे पहले तो इसको अवरोही क्रम में जमाना है, हम इसको देखते हैं
फिर इसके अंश भी समान नहीं है, हर भी समान नहीं है। दूसरा हम देख लेते हैं इसका अंतर कितना है। अंतर देखते हैं, अंतर का मतलब हर माइनस अंश। 16 माइनस 15 एक, 20 माइनस 19 एक, 25 माइनस 24 एक, 35 माइनस 34 एक। यानी अंतर सबका ही बराबर है, हर में से अंश घटाते हैं। तब देखिए जो अंश सबसे बड़ा है वो भी सबसे बड़ी हो जाएगी। इस हिसाब से अपने पास 34/35, फिर 24/25, फिर 19/20, फिर 15/16। अब इसने कहा कि ये आपका क्या है, बड़ी अवरोही क्रम में हमने लिख दिया। किस में लिखा आपने, अवरोही क्रम के अंदर। इसने कहा है कि दूसरे नंबर की भिन्न कौन सी होगी, दूसरे नंबर में भिन्न कौन सी है, ये वाली है 24/25। ये किस ऑप्शन में है, बी में। अपना आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन हो गया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।